हेलो, ये किडनी सीरीज का सेकेंड वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ किडनी स्टोन और किस प्रकार का डाइट आपने किडनी स्टोन्स में लेना चाहिए या किस प्रकार का डाइट आपने नहीं लेना चाहिए। आई एम डॉक्टर सोनल कोलते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। आज ये वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन 5 प्रकार के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सैलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सिस्टीन स्टोन, यूरिक स्टोन और स्टेबिलाइट स्टोन। सो ये 5 प्रकार के स्टोन, हर एक अलग अलग प्रकार के स्टोन्स रहते हैं जो हमें सोनोग्राफी या एक्सरे अगर हम करते हैं तो उसमें हमें वो दिखाई देते हैं। सो किडनी स्टोन्स, कैल्शियम ऑक्सैलेट अगर हम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सैलेट ये जो स्टोन है ये मोस्टली पाए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली ये देखे जाते हैं। कैल्शियम और ऑक्सैलेट एक कंबाइन हो जाते हैं स्टमक में और फिर वो एक्सक्रीट होते हैं थ्रू यूरिन फ्रॉम किडनी। किडनी से वो निकलने की कोशिश करते हैं और हो जाता है किडनी स्टोन तैयार। सो इसमें बहुत बार एक मिथ बोला गया है, यानी एक ऐसी ऐसा माना जाता है कि अगर कैल्शियम का इंटेक हम कम कर लेते हैं तो कैल्शियम के स्टोन जो है, जो कैल्शियम ऑक्सैलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के जो स्टोन होते हैं वो नहीं होंगे। लेकिन कैल्शियम का जितनी जरूरत है या कैल्शियम का जितना इंटेक हमारे डे टू डे लाइफ में होना चाहिए उतना जरूरी है, नहीं तो हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। नेचुरल फॉर्म में जो कैल्शियम हम लेते हैं वो कैल्शियम हम बिल्कुल लेंगे। यहाँ पे जो चीजें हमें नहीं खानी है वो है हाई सोडियम रिलेटेड फूड, जिससे हमें मिलता है बहुत ज्यादा सोडियम और ये सोडियम करता है कैल्शियम को बाहर, उसके साथ कैल्शियम और सोडियम एक साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे शरीर से। जितना हाई कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम आप लोगे उतना ही कैल्शियम वो अपने साथ लेके बाहर निकलेगा थ्रू यूरिन। इसीलिए हाई सोडियम वाले जो भी फूड है, जैसे कि टिन जो रहते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो रहता है और पैक्ड बट कैन या टिन जो हम बोलते हैं वो, या चाइनीज प्रोडक्ट जिसमें बहुत ज्यादा नमक यूज होता है, या जो प्रोडक्ट हमें स्टोर करके रखने पड़ते हैं उसमें हम ज्यादा नमक डालते हैं, वो सब चीजें हमें थोड़े से कम खाने हैं या उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे खाने में कम रखनी है। उसके बाद आता है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक स्टोन जो बनते हैं वो यूरिक एसिड, ज्यादा जब हमारे शरीर में एसिडिक यूरिन तैयार होने लगती है और उसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन बनते हैं। प्यूरिन स्टोन भी उसे बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन अगर ज्यादा होता है वो लीड करता है यूरिक एसिड स्टोन के फॉर्मेशन को। तो अगर यूरिक एसिड स्टोन हमको नहीं चाहिए तो हमारे शरीर में तैयार होने वाली जो यूरिन है वो ज्यादा एसिडिक नहीं होनी चाहिए। उसके लिए प्यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो कम करना है, उसके लिए हमें कुछ चीजें हमारे खाने में रिस्ट्रिक्ट रखनी है। उसके बाद जो है सिस्टीन का जो स्टोन बनते हैं, सिस्टीन स्टोन जो बनते हैं वो मोस्टली बहुत रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन है। ये बहुत बार जेनेटिक डिसऑर्डर जो रहते हैं उन्हीं को होता है, सिस्टीन यूरिन में लीक होना चालू हो जाता है और अल्टीमेटली सिस्टीन के स्टोन बन जाते हैं। स्टुवाइट स्टोन जो बोलते हैं, स्टुवाइट स्टोन जो है वो होते हैं मोस्टली फीमेल्स को, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है फीमेल्स में और अगर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत है, बहुत बार यूटीआई को आपको फेस करना पड़ रहा है तो ये स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से अमोनिया, मैग्नीशियम और फॉस्फेट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और उसकी वजह से ये स्टोन होते हैं। सो ये बहुत सारे टाइप जो हमने डिस्कस किए ये आप जो खाते हैं उससे रिलेटेड है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसे है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको कुछ नहीं है ये भी इसमें मायने रखता है। जैसे कि आप बहुत ओबेज हो क्या, यानी मोटापा बहुत ज्यादा है क्या,
इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या, थायराइड का प्रॉब्लम आपको है क्या, ये सब चीजें मैटर करती है। आपका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा नहीं है, आपको हाइपरटेंशन यानी बीपी की तो शिकायत नहीं है, इसमें भी निर्भर करता है कि आपको स्टोन होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। सो ये बहुत सारी चीजें भी मायने रखती है। सो कौन सा डाइट हम प्रीफर करें और कौन सा नहीं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून और देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम बात करेंगे किस टाइप की चीजें हमें खानी है और किस टाइप की चीजें हमें नहीं खानी। थैंक यू वेरी मच।